वो कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, वो कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, लेकिन अपनी अलमारी में रखे हुए मोजे भी नहीं ढूंढ पाते हैं वो। ये भी लाइंस मैंने पीटे के टाइम पर ही लिखी थी, कई काफी याद आ जाती हैं ऐसी बातें, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में भूलने की बहुत आदत होती है, वो रख रख के चीजें भूल जाते हैं इधर उधर, और फिर उन्हें याद ही नहीं रहता है कि उन्हें कहां रखा है। तो मेरी भी एक आदत है, ठीक है, तो आप लोग ऐसी आदत से बचें, कोशिश करें कि डेली थोड़ा एक्सरसाइज करें, बॉडी को अपने चलाएं, पसीना निकालें शरीर में से, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होगी, मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं आएगा, तब तक आपका बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको पता है कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, बीपी हो जाता है, ये सारी चीजें, तो आप लोग इससे बचें, ठीक है। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे लेथ मशीन एलेट्स कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। वी विल बी मेनली स्टडिंग अबाउट द लेथ मशीन एलेट्स कंस्ट्रक्शन, और इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सारे पार्ट्स पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, और हर पार्ट का यूज लिखेंगे क्या होता है, डायग्रामेटिकली भी उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना ना भूलिएगा। तो पूरा मार्च हम लोग अपना प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो लेथ पे जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि क्या होता है लेथ का, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेथ का क्लासिफिकेशन हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे, लेथ का जो बेड होता है, द बेड ऑफ लेथ इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, किससे बना होगा ये कास्ट, और मेनली कौन से बना होगा, ग्रे कास्ट आयरन से, लिख लीजिए, बेड जो बना होता है वो बना होता है मेरा ग्रे कास्ट आयरन से। ग्रे कास्ट आयरन से ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हमारी लेथ मशीन ऑपरेट करेगी तो यहां पर बहुत वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बहुत वाइब्रेशंस होंगे, तो डैम्पिंग इफेक्ट अच्छा प्रोवाइड करेगा हमारा ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन प्रोवाइड्स गुड डैम्पिंग इफेक्ट, लिख लेंगे, प्रोवाइड्स गुड डैम्पिंग, ठीक है, इसीलिए हम लोग किससे बना देते हैं, बेड इज मेड अप ऑफ दी ग्रे कास्ट आयरन, तो बेड इसका ग्रे कास्ट आयरन से बना देंगे, और इसी बेड के ऊपर हमारा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज और अदर कंपोनेंट्स माउंट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो इसी बेड के ऊपर हमारा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज और अदर कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, माउंट कर देंगे, ठीक है, ये आप लिख दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, लेथ मशीन का जो बेड है, इट इज मेड अप ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन बिकॉज इट प्रोवाइड गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज इट प्रोवाइड गुड डैम्पिंग, ठीक है। अब यहां पर कुछ मेजर पार्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारे मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन के मेजर पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे, बाकी आप लोगों को एक मैं डायग्राम अभी दिखाऊंगा, उसमें आपके सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मेजर पार्ट्स कौन कौन से हो गए, बेड हो गया, बेड हो गया, फिर हो गया मेरा हेड स्टॉक, ठीक है, बेड हो गया, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, कैरेज हो गया, टेल स्टॉक हो गया, नोट डाउन भी कर दे चलिए आप लोग संग संग में, ठीक है। जिन लोगों को नोट्स परचेज करने हैं, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उससे परचेज भी कर सकते हैं। टेल स्टॉक हो गया, कैरेज हो गया, फिर हो गया फीड मैकेनिज्म, ठीक है, फीड मैकेनिज्म हो गया, फिर मेरा हो गया थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, फीड मैकेनिज्म, थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड कैरेज, ये कुछ मेजर पार्ट्स हैं। अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको लेथ के सारे पार्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। सो आई विल शो यू अ डायग्राम वेयर यू विल सी ऑल द मेजर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लेथ मशीन। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, नोट दिस डाउन। फिर हम लोग हर इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पर पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट इन डिटेल अबाउट एवरी पार्ट, ठीक है। और ये लेसन भी लगभग हम लोग का 50 मिनट तक जाएगा, ठीक है, 50 मिनट एक घंटा ऐसे चलेगा हमारा सेशन, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। अब आपको अपनी स्क्रीन्स पर दिखेगा लेथ मशीन का डायग्राम, ठीक है, अब आपको स्क्रीन्स पर दिखेगा लेथ मशीन का डायग्राम, इसको देखिए, ठीक है, ये है आपकी लेथ मशीन, दिस इज योर लेथ मशीन, देख लीजिए ध्यान से, ठीक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पार्ट, दैट इज बेड, ठीक है, बेड ऑफ लेथ मशीन से स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले। तो बेड जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन से बना है, जो रीमेल्टिंग ऑफ पिग आयरन से बनाया जाएगा। ग्रे कास्ट आयरन इज फॉर्म्ड बाय द रीमेल्टिंग ऑफ पिग आयरन, ठीक है, दोबारा से मेल्ट करेंगे पिग आयरन को, तो उससे क्या बन जाता है, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। तो आपका जो बेड है वो एक तरीके का बेस है जिस पर आपके बाकी सारे इक्विपमेंट्स या सारे कंपोनेंट्स लेथ मशीन के रखे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ बेस, लिख लेंगे एक्टिंग एज अ बेस फॉर ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ लेथ, ठीक है, ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ लेथ के अलग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे बेड के ऊपर क्या होंगे, प्लेस किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, अगला पॉइंट क्या हो गया, अगला पॉइंट है एक सिंगल पीस में इसे कास्ट किया जाएगा, ठीक है, सिंगल पीस में यहां पर इसे कास्ट करेंगे, ठीक है, कास्टेड विथ अ सिंगल पीस, ठीक है, सिंगल पीस में इसकी कास्टिंग की जाएगी, सिंगल पीस में कास्टिंग की जाएगी। फिर देखिए बेड के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या क्या चीजें लोकेट होंगी, हेडस्टॉक होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या होगा, हेडस्टॉक होगा, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पर क्या होगा, राइट हैंड साइड पर क्या हो गया, इसके राइट हैंड साइड पर होगा हमारा टेल स्टॉक, ठीक है, राइट हैंड साइड पर होगा हमारा टेल स्टॉक, राइट हैंड साइड पर होगा मेरा टेल स्टॉक। और कैरेज क्या होगा, कैरेज हमारा बेड पर रेस्ट करेगा जो कि हमारा स्लाइड कर सकता है, ठीक है, कैरेज विल रेस्ट ऑन द बेड एंड स्लाइड ऑन इट, देखेंगे कैरेज रेस्ट ऑन द बेड एंड स्लाइड्स ऑन इट, ठीक है, एंड स्लाइड्स ऑन इट, और उस पर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है, लिख लीजिए इसे। और बेड के ऊपर दो गाइडवेज लगे होते हैं, ठीक है, दो गाइडवेज लगे होंगे, एक इनर होगा एक आउटर होगा, ठीक है, बेड के सरफेस पर दो हमारे गाइडवेज लगे होते हैं जो गाइड करते हैं मूवमेंट को, इनर वेज एंड आउटर वेज, टू लिख लेंगे, टू सेट्स ऑफ गाइडवेज, ठीक है, कौन कौन से होते हैं,
इनर वेज एंड आउटर वेज, इनर वेज एंड आउटर वेज दो होते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आई होप कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब सही चल रही होगी, तो एक बार थम्स अप का साइन करके बता दें कि आप लोग जिंदा हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे इनर वे का क्या फंक्शन है और आउटर वे का क्या फंक्शन है, ठीक है। इसको कर लेंगे अंडरलाइन। टू सेट्स ऑफ गाइड वेज कौन कौन से होते हैं, इनर वे एंड आउटर वे, लिख लीजिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इनर वे और आउटर वे किस लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल राइट डाउन इनर वेज एंड आउटर वेज किस लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी अब लिखा करिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, हमारे जो इनर वेज होते हैं, ठीक है, इनर वेज जो है वो हमारे टेल स्टॉक को स्लाइड कराने के लिए सरफेस प्रोवाइड करेंगे, और आउटर वेज हमारे कैरेज के लिए होते हैं। लिखेंगे इनर वेज प्रोवाइड स्लाइडिंग सरफेस टू टेल स्टॉक, ठीक है। इनर वेज प्रोवाइड स्लाइडिंग सरफेस टू टेल स्टॉक एंड आउटर वेज आर फॉर कैरेज, ठीक है, ये हमारे कैरेज के लिए होते हैं। आउटर वेज आर फॉर कैरेज, ठीक है, ये हो गया। और गाइड वेज की जो शेप हो सकती है वो फ्लैट भी हो सकते हैं या इन्वर्टेड वी भी हो सकते हैं, लिख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। द शेप ऑफ गाइड वेज कैन बी फ्लैट और इन्वर्टेड वी शेप, ठीक है, फ्लैट भी हो सकते हैं या फिर इन्वर्टेड वी शेप भी हो सकते हैं। देख लेंगे यहां पर, दे कैन आइदर बी फ्लैट और इन्वर्टेड वी शेप गाइडवेज, ठीक है, लिख लीजिए। ये हो गया हमारे अबाउट द बेड। तो बेड के बारे में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए, ठीक है। तो हम लोग एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर सब नोट डाउन कर रहे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा हेड स्टॉक, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेरा हेड स्टॉक। नेक्स्ट पार्ट है मेरा हेड स्टॉक, ठीक है। हेड स्टॉक का मेन काम क्या है, पावर को ट्रांसमिट करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेग पर, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, टू ट्रांसमिट पावर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेथ, टू ट्रांसमिट पावर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेथ,
ठीक है, और हेडस्टॉक में ही हमारा गियर अरेंजमेंट भी दिया होता है, ठीक है, हेडस्टॉक में ही हमारा गियर ट्रेन अरेंजमेंट भी इंक्लूडेड होता है, लिख लेंगे इट इंक्लूड्स द गियर ट्रेन अरेंजमेंट ऑल्सो, इट इंक्लूड्स द गियर ट्रेन अरेंजमेंट ऑल्सो, ठीक है, इट इंक्लूड्स द गियर ट्रेन अरेंजमेंट ऑल्सो, ठीक है, इट इंक्लूड्स द गियर ट्रेन अरेंजमेंट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मेन जो स्पिंडल होता है उसको हम लोग हेडस्टॉक में एडजस्ट कर देते हैं, और उसी हेडस्टॉक में क्या लगा होता है, लाइव सेंटर, जिससे हमारा वर्कपीस अटैच्ड होता है, ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, वर्कपीस को सपोर्ट करना, ठीक है, और वर्कपीस के साथ ही क्या करता है, रोटेट भी करता है, ठीक है। ये लिखेंगे लिखेंगे थोड़ा लंबा पॉइंट है, इट हैज मेन स्पिंडल विच कंटेन्स द लाइव सेंटर, ठीक है, विच कंटेन्स द लाइव सेंटर, ठीक है, और इसी लाइव सेंटर से क्या होता है, हमारा वर्कपीस अटैच्ड होगा, लिखेंगे वर्कपीस इज अटैच्ड टू लाइव सेंटर, वर्कपीस इज अटैच्ड टू द लाइव सेंटर, और ये क्या करेगा, ये हमारे वर्कपीस को सपोर्ट करेगा और उसी के साथ रिवॉल्व भी करेगा, हमारा हेडस्टॉक जो है, इट सपोर्ट्स द वर्कपीस एंड ऑल्सो रोटेट्स विथ इट, और उसी के साथ क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, एक तो उसको सपोर्ट भी करेगा और उसी के साथ रोटेट भी करेगा, ठीक है, सपोर्ट भी करेगा और उसको उसके साथ रोटेट भी करेगा, ठीक है। क्या चीज, ये लाइव सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, लाइव सेंटर विल सपोर्ट द वर्क पीस एंड विल रोटेट विथ इट, और ये लाइव सेंटर किस में फिट किया जाता है, मेन स्पिंडल में फिट करेंगे अपने हेडस्टॉक के, ठीक है, द लाइव सेंटर इज इन द स्पिंडल, मेन स्पिंडल ऑफ द हेडस्टॉक, ठीक है, लिख लीजिए ये, ठीक है, प्लीज पुट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर के दो पॉइंट्स बता दे रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट्स पे देखेंगे, इसमें हमें कोन पुली भी अटैच कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अटैच अ कोन पुली, ठीक है, यहां पर एक कोन पुली भी लगाया जा सकता है, और इससे आपको इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू अलग अलग स्पिंडल की स्पीड मिल जाएंगी, लिखेंगे अ कोन पुली कैन बी यूज्ड टू अचीव डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स when attached to an electric motor, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है, when attached to an electric motor, लास्ट पॉइंट इसमें देखिए, बैक गियर अरेंजमेंट को यूज करके यहां वाइड रेंज ऑफ स्लो स्पीड्स को भी ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, by using the back gear arrangement,
a wide range of slower speeds can be obtained. A wide range of slower speeds can be obtained. ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल गियर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर लेंगे, थ्रेड कटिंग के दौरान डिफरेंट वेलोसिटी रेशियोज को ऑब्टेन कर लिया जाएगा. ठीक है, स्पेशल गियर्स लाइक चेंज व्हील्स. ठीक है, चेंज व्हील्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट वेलोसिटी रेशियोज फॉर थ्रेड कटिंग पर्पस. थ्रेड कटिंग पर्पस लिख लीजिए इसको. ठीक है, थ्रेड कटिंग पर्पस के लिए हम लोग इसमें एक चेंज व्हील नाम का एक डिवाइस लगा सकते हैं जो कि गियर ही होता है, और इसकी मदद से डिफरेंट व्हील आपको वेलोसिटी रेशियोज मिल जाएंगे थ्रेड कटिंग के लिए. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट दिस डाउन. ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं. नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे टेल स्टॉक के बारे में. हेड स्टॉक के बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपना टेल स्टॉक के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेल स्टॉक. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टेल स्टॉक. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टेल स्टॉक. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टेल स्टॉक. ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे टेल स्टॉक के बारे में. तो पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे टेल स्टॉक के बारे में. ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टेल स्टॉक. ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा होगा. हाय हेलो नमस्कार सब लोगों को एक बार फिर से. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टेल स्टॉक. हेड स्टॉक हो गया, अब पढ़ेंगे टेल स्टॉक के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टेल स्टॉक. जल्दी लिख लीजिए, और जो लोग साथ नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाना चाहते वो हमारे चैनल से परचेज कर लीजिए. ठीक है, हमारी वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, हमारा ऐप बहुत जल्दी लॉन्च हो ही चुका है ऑलमोस्ट. ठीक है, टेस्ट शुरू होने वाले हैं. ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है यहां पर टेल स्टॉक के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टेल स्टॉक के बारे में. एक हो गया हेड स्टॉक, एक हो गया हमारा टेल स्टॉक. ठीक है, यहां टेल स्टॉक का मेन फंक्शन क्या होता है? टेल स्टॉक का मेन फंक्शन ये होता है हमारी सर्कुलर जॉब्स को सपोर्ट करना. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है इसका, सर्कुलर जॉब्स को सपोर्ट करना जब उनकी क्या करी जा रही होती है, टर्निंग की जा रही होती है. ठीक है, सपोर्टिंग ऑफ
सपोर्टिंग ऑफ सर्कुलर जॉब्स, सपोर्टिंग ऑफ सर्कुलर जॉब्स ऑन लेथ मशीन ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया। तो लेथ मशीन्स पर जब भी हम लोग अपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का टर्निंग करेंगे उसमें हम लोग क्या यूज कर लेंगे, अपना टेल स्टॉक, ये चीज हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, और टेल स्टॉक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी सेट और एडजस्टेड। ठीक है, इट कैन बी सेट और एडजस्टेड विद रिस्पेक्ट टू द स्पिंडल सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इट कैन बी एडजस्टेड, इट कैन बी एडजस्टेड फॉर, इट कैन बी एडजस्टेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पिंडल सेंटर, विथ रिस्पेक्ट टू स्पिंडल सेंटर, विथ रिस्पेक्ट टू स्पिंडल सेंटर। ठीक है, और टेल स्टॉक में हमारा क्या क्या होगा, टेल स्टॉक में हमारा एक पार्ट होता है सेंटर, जिसको कहते हैं डेड सेंटर। ठीक है, इट कैरीज डेड सेंटर। ठीक है, जैसे लाइव सेंटर होता था वैसे दूसरा होता है डेड सेंटर। ठीक है, सॉरी, एंड इट कैरीज अ डेड सेंटर इट कैरीज अ डेड सेंटर फॉर सपोर्टिंग वन एंड ऑफ द वर्क, फॉर सपोर्टिंग वन एंड ऑफ द वर्क, फॉर सपोर्टिंग वन एंड ऑफ द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइव सेंटर और डेड सेंटर्स में 60 डिग्री का कोनिकल पॉइंट्स बनाया जाता है। लिखेंगे लाइव एंड डेड सेंटर्स हैव 60 डिग्री कोनिकल पॉइंट, ताकि सेंटर होल्स को सर्कुलर, जो हमारे क्या होते हैं सर्कुलर जॉब्स को इजिली फिट किया जा सके। ठीक है, टू फिट द सेंटर होल्स इन सर्कुलर जॉब। ठीक है, सेंटर का जो होल है वो सर्कुलर जॉब में फिट कराया जा सके आसानी से। ठीक है, और जो दूसरा एंड होता है उसमें क्या दिया जाता है, टेपरिंग। वर्क के एक एंड पे तो ये कर दिया, लेकिन जो दूसरा एंड होगा उस पे क्या करेंगे, टेपरिंग प्रोवाइड करेंगे। और टेपरिंग क्यों प्रोवाइड करेंगे, गुड फिटिंग के लिए। ठीक है, एंड दी अदर एंड हैज टेपरिंग, एंड दी अदर एंड हैज टेपरिंग टू अलाउ For to allow for easy and good fitting, to allow for easy and good fitting, ताकि वो क्या हो सके, आसानी से फिट हो सके और अच्छी तरह फिट हो सके। ठीक है, लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमने काफी हैवी जॉब ले ली, ठीक है, काफी एक हैवी जॉब ले ली और उसे डेड सेंटर में जब हम लोड करेंगे
तो हो सकता है वहां पर फ्रिक्शन के कारण जैमिंग होने लगे, ठीक है। वहां हो सकता है जब फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट के कारण लोकलाइज्ड वेल्डिंग होने लग जाएगी और उसके कारण हमारा जैमिंग होने लगेगा, ठीक है। उसके कारण क्या होने लगेगा, हमारा जैमिंग होने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेड सेंटर को एक बॉल बेयरिंग पर भी माउंट कर सकते हैं, ठीक है। डेड सेंटर को एक बॉल बेयरिंग पर भी हम लोग माउंट कर सकते हैं। लिख लीजिए, थोड़ा लंबा पॉइंट है तो मे भी थोड़ा आएगा नहीं। राइट दीज पॉइंट्स डाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर, इन केस ऑफ हैवी जॉब्स, अगर हमारी जो वर्कपीस है, जो जॉब है, वो काफी हैवी हो गया तो उसके कारण बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होने लगेगा, ठीक है। और ज्यादा अगर आपका फ्रिक्शन डेवलप हो गया तो क्या होगा, वहां पर हीट ज्यादा जनरेट होगी। देखिए, लिखिए, इन केस ऑफ हैवी जॉब्स ड्यू टू लार्ज फ्रिक्शन जैमिंग मे टेक प्लेस, जैमिंग में टेक प्लेस विच कैन बी अवॉइडेड बाय माउंटिंग द डेड सेंटर इन अ बॉल बेयरिंग, डेड सेंटर इन अ बॉल बेयरिंग, ठीक है, ताकि ये जो आपका डेड सेंटर है वो जॉब के साथ ही रोटेट करता रहे, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द टेल स्टॉक, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ी देर में डायग्राम को नोट कर लीजिए, फिर एक डायग्राम दिखाएंगे जहां पर आपका टेल स्टॉक लिखा हुआ है, ठीक है, या टेल स्टॉक आपको दिखेगा। नेक्स्ट वी विल सी अ डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू द टेल स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू द टेल स्टॉक, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द टेल स्टॉक। ठीक है, टेल स्टॉक लिख लिया आप लोगों ने पॉइंट। नेक्स्ट अब लिखेंगे हम लोग, पहले तो डायग्राम देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कैरिज, ठीक है, कैरिज के बारे में, फिर पढ़ेंगे फीड मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पहले ये लिख लिया आपने, चलिए अब देखते हैं डायग्राम अपने टेल स्टॉक का, टेल स्टॉक ऑफ अ लेथ मशीन का डायग्राम देखते हैं, ठीक है।
देखिए ये हमारा टेल स्टॉक ऑफ द लेथ मशीन, ठीक। चलिए या अब हम पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैरेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कैरेज, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे कैरेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कैरेज, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू सी इज कैरेज। देखिए कैरेज क्या है, कैरेज को हम आउटर गाइडवे पे माउंट करते हैं अपनी लेथ मशीन के, ठीक है, ताकि वो स्पिंडल एक्सिस के पैरेलल मूव कर सके। लिखेंगे माउंटेड ऑन द आउटर गाइडवे, माउंटेड ऑन द आउटर गाइडवे सो दैट इट कैन मूव इन अ डायरेक्शन, सो दैट इट कैन मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस, ताकि वो हमारी स्पिंडल एक्सिस के पैरेलल मूव कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड होंगे, इसमें हमारा इंक्लूड होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इंक्लूड्स क्या क्या होगा, एप्रन, ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा एप्रन, क्रॉस स्लाइड सैडल, क्रॉस स्लाइड हो जाएगा, सैडल हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड हो गया, सैडल हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया और टूल पोस्ट हो गया, कंपाउंड रेस्ट एंड टूल पोस्ट, ये किसके पार्ट्स होंगे, हमारे कैरेज के पार्ट्स होंगे। लिख लीजिए, ठीक है, कैरेज के लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, एप्रन कहते हैं। एप्रन क्या होता है, कैरेज का लोअर पार्ट होता है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, इसी में लोअर पार्ट ऑफ कैरेज, लोअर पार्ट ऑफ कैरेज इज कॉल्ड एज द एप्रन, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ कैरेज इज कॉल्ड एज द एप्रन, ठीक है। और एप्रन में ही क्या लगे होते हैं, गियर्स लगे होते हैं, ठीक है, एप्रन में क्या लगे होते हैं, हमारे गियर्स लगे होते हैं, और इसको यूज करके हम लोग अपने फीट के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग द गियर मैकेनिज्म, यूजिंग द गियर मैकेनिज्म on the apron, the direction of feed can be adjusted, the direction of feed can be adjusted, ठीक है, we can adjust the direction of feed by using the gear mechanism on the apron, ठीक है। ठीक है, ये लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे, जो हमारी क्रॉस स्लाइड होती है, ठीक है, क्रॉस स्लाइड को मेनली कहां पर माउंट किया जाता है, कैरेज पर, ठीक है, और ये किस कैसे ट्रैवल करेगी, इट ट्रैवल्स एट राइट एंगल्स टू द स्पिंडल एक्सिस, लिख लेंगे यहां पर, क्रॉस स्लाइड ट्रैवल्स एट right angles to the spindle
axis. It travels at right angles to the spindle axis. ठीक है. और हमारी क्रॉस स्लाइड पर क्या माउंट किया जाएगा, एक सैडल को माउंट कर देते हैं. ठीक है, क्रॉस स्लाइड पर हम लोग एक क्या माउंट कर देंगे, सैडल को माउंट कर देंगे. ठीक है, और इस सैडल को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से ताकि वो किसी भी एंगल पर रोटेट करवाया जा सके. ठीक है, अ सैडल इज माउंटेड ऑन दिस क्रॉस स्लाइड. ठीक है, जिसमें हम लोग एक कंपाउंड रेस्ट को एडजस्ट करा सकते हैं किसी भी एंगल पर. लास्ट पॉइंट लिखेंगे यहां पर, अ सैडल इज माउंटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड. अ सैडल इज माउंटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड. ठीक है, having a compound rest which can be adjusted at any angle. ठीक है, जिसको हम लोग एक डिजायर्ड एंगुलर पोजीशन में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. लिख लीजिए पॉइंट्स. ठीक है, नोट डाउन दीज पॉइंट्स विच कैन बी एडजस्टेड इन एट एनी एंगल. ये देखिए, ऑन द आउटर गाइड वे सो दैट इट कैन मूव इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस. ठीक है, नोट कर लीजिए इसे. फिर कुछ और पॉइंट्स हैं यहां पर, दो पॉइंट्स और हैं, आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग वो पॉइंट्स पढ़ेंगे. इसके बाद देखेंगे फीड मैकेनिज्म. ठीक है, इसके बाद देखेंगे फीड मैकेनिज्म. काफी लंबा चैप्टर है दोस्तों ये वाला, है ना, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे दिए हुए हैं. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. फिर दो पॉइंट्स और हैं यहां पर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर. जो हमारा कंपाउंड रेस्ट होता है, ठीक है, उसको एक स्क्रू की मदद से एक्चुएट किया जाता है. ठीक है, और वो एक फिक्स्ड नट में क्या करेगा, रोटेट करेगा. ठीक है, विच रोटेट्स इन अ नट फिक्स्ड टू द सैडल. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द कंपाउंड रेस्ट स्लाइड इज एक्चुएटेड, द कंपाउंड रेस्ट स्लाइड इज एक्चुएटेड, द कंपाउंड रेस्ट स्लाइड इज एक्चुएटेड. ठीक है, लिख लीजिए पहले आप लोग. एक्चुएट का मतलब होता है एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट होना. ठीक है, स्लाइड इज एक्चुएटेड बाय अ स्क्रू, एक्चुएटेड बाय अ
screw. It is actuated by a screw which rotates in a nut fixed to the saddle. Which rotates in a nut fixed to a saddle. Which rotates in a nut fixed to a saddle. ठीक है, fixed to a saddle. Which rotates in a nut fixed to a saddle. All right. चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. कैरेज का एक इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है जिसे कहते हैं टूल पोस्ट. लिखेंगे टूल पोस्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैरेज. इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैरेज जो कि आपके टी स्लॉट में फिक्स हो जाता है. ठीक है, फिट हो जाता है आराम से. विच फिट्स इन द टी स्लॉट. ठीक है, टी स्लॉट में आराम से ये फिट हो जाएगा और इसका फंक्शन क्या है, टूल होल्डर को अपनी जगह पर पकड़े रहेगा. ठीक है, लिखेंगे टूल पोस्ट ऑल्सो होल्ड्स द टूल होल्डर ऑल्सो होल्ड्स द टूल होल्डर इन प्लेस by using a tool post screw. ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इसको लिख लीजिए. इसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा टूल पोस्ट ऑफ अ लेथ मशीन का. आफ्टर दिस आई विल शो यू अ डायग्राम ऑफ टूल पोस्ट कैसा दिखता है. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले. ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट दी कैरेज के बारे में. ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट यहां पर डायग्राम दिखाऊंगा टूल पोस्ट का. ठीक है, आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ टूल पोस्ट. आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ टूल पोस्ट. आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ टूल पोस्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दी फीड मैकेनिज्म. अगला टॉपिक हमें पढ़ना है फीड मैकेनिज्म. नेक्स्ट हमें यहां पर पढ़ना है फीड मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है यहां पर फीड मैकेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट हमें यहां पर पढ़ना है अबाउट दी फीड मैकेनिज्म. देखिए, आप अपने वर्क पीस के अंदर फीड कराते हो या कहें अपने कटिंग टूल को वर्क पीस पर फीड कराएंगे. ठीक है, वर्क पीस पर फीड कराएंगे तो वो किसकी मदद से कराएंगे, फीड मैकेनिज्म. ठीक है, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पर डिफरेंट यूनिट्स का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और मोशन को ट्रांसमिट करा देंगे हेड स्टॉक स्पिंडल से कैरिज पर. ठीक है, लिखेंगे
motion is transmitted to the headstock spindle motion is transmitted from the headstock spindle to the carriage of lathe machine to the carriage of lathe machine ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स को यूज करके हम लोग मोशन को ट्रांसमिट करा देंगे अपने हेडस्टॉक स्पिंडल से टू द कैरिज ऑफ लेथ मशीन। अब कौन कौन से यहां पर यूनिट्स यूज करेंगे, ठीक है, द डिफरेंट यूनिट्स विच आर यूज्ड, सबसे पहले क्या है, एंड ऑफ बेड गियरिंग, एक यूनिट होती है एंड ऑफ बेड गियरिंग, ठीक है, ये क्या है, हम डिफरेंट यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफ बेड गियरिंग, दूसरा होता है फीड गियर बॉक्स, तीसरा होता है लीड स्क्रू एंड फीड रॉड, चौथा होता है एप्रन मैकेनिज्म, ये चारों क्या है, they are different combination of units for feed mechanism, ठीक है, different combination of units for feed mechanism, note down कर लीजिए, ठीक है, एंड ऑफ बेड गियरिंग होता है, फीड गियर बॉक्स होता है, लीड स्क्रू एंड फीड रॉड होती है, और एप्रन मैकेनिज्म होता है, इनको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोशन को हेडस्टॉक स्पिंडल से कैरिज ऑफ द लेथ मशीन पे ट्रांसमिट करवा सकते हैं, नोट इट डाउन प्लीज, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, ठीक है, और उसी के साथ हमारा ये जो लेसन है आज का यहीं पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, अब एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम होगा, उससे चीजें खुद ही खुद आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, वो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, ठीक है,
ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए हेड स्टॉक स्पिंडल से, हेड स्टॉक स्पिंडल से आपका फीड गियर बॉक्स तक, फीड गियर बॉक्स तक रोटरी मोशन ट्रांसमिट किया जाएगा। क्या ट्रांसमिट किया जाएगा? रोटरी मोशन का ट्रांसमिशन किया जाएगा, ठीक है। और ये कौन करेगा? गियरिंग एंड ऑफ बेड, मैंने आपको बताया एंड ऑफ बेड गियरिंग, ये कौन करेगा? एंड ऑफ बेड गियरिंग, ठीक है। तो एंड ऑफ बेड गियरिंग की मदद से आप अपने रोटरी मोशन को हेडस्टॉक ऑफ द स्पिंडल से कहां ट्रांसमिट करा दोगे? फीड गियर बॉक्स में ट्रांसमिट करा दोगे, ठीक है। अब फीड गियर बॉक्स से मोशन आपका शाफ्ट पर भी जा सकता है या लीड स्क्रू पर भी जा सकता है। अब यहां से मोशन आपका शाफ्ट पर भी जा सकता है और आपका लीड स्क्रू पर भी जा सकता है, ठीक है। द मोशन मे बी ट्रांसमिटेड टू शाफ्ट और आइदर टू द लीड स्क्रू, ठीक है। और जो आपका फीड गियर बॉक्स होगा इसमें डिफरेंट साइजेस के क्या होंगे? गियर्स होंगे, ठीक है। लिख लो डिफरेंट साइज गियर्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट साइज के गियर्स होते हैं और डिफरेंट साइज के गियर्स को यूज करके हम लोग अपने फीड के रेट को बदल सकते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करके क्या क्या चीज चेंज कर लेंगे? मतलब डिफरेंट गियर्स हैं यहां पर, इसको मैं कहां लिखूं? इसको चलिए मैं यहां लिख देता हूं, रुक जाइए, ठीक है। कैन बी यूज्ड टू चेंज द फीड रेट, कैन बी यूज्ड टू चेंज द फीड रेट, ठीक है। एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ फीड रॉड एंड स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ फीड रॉड, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ फीड रॉड और लीड स्क्रू, ठीक है, और लीड, ठीक है। तो डिफरेंट गियर्स को यूज करके फीड रेट को चेंज किया जा सकता है या स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ फीड रॉड एंड लीड स्क्रू को भी हम लोग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसी में एक इंपॉर्टेंट डायग्राम और बनेगा, आपका फीड रॉड से लेके कैरिज तक को जो मोशन ट्रांसमिट कराएगा वो कराएगा एप्रन। फीड रॉड से जो आपका मोशन ट्रांसमिट किया जाएगा कैरिज तक, ठीक है, ये कौन कराएगा? ये कराएगा मेरा एप्रन, ठीक है। ये कराएगा मेरा एप्रन जो कि कहां होता है? सैडल पर फिट किया जाता है, फिटेड ऑन दी सैडल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एप्रन ब्रैकेट में लिखेंगे फिटेड ऑन सैडल। तो इसी के साथ ये नोट कर लीजिए, हमारा ये वाला यहीं पर मॉड्यूल फिनिश होता है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एंड
एंड ऑफ बेड गियरिंग की मदद से रोटरी मोशन विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेडस्टॉक ऑफ द स्पिंडल टू द फीड गियर बॉक्स. नाउ फ्रॉम द फीड गियर बॉक्स द मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर टू द शाफ्ट और टू द लीड स्क्रू. ठीक है, फीड गियर बॉक्स इज कंटेनिंग गियर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, नाउ By using these different sizes gears, we can alter the feed rate and we can also change the speed of rotation of feed rod or lead screw. ठीक है, and feed rod से लेकर carriage तक हमारा जो motion को transmit कराएगा वो कौन कराएगा? Apron. और apron कहां पर fitted होगा? Saddle पे. ठीक है, apron is fitted on the saddle. Please note this down. इसी के साथ हमारा ये वाला lesson यहीं पर finish होता है. आई होप कि आप लोगों को लेसन जरूर से अच्छे लग रहे होंगे. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना बिल्कुल ना भूले. ठीक है, मैक्सिमम शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और उन्हें भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन गेयर अप हो सके. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट लेसन आएगा हमारा, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे कटिंग थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म से. ठीक है, इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल स्टार्ट विद द थ्रेड कटिंग mechanism. So thank you so much for watching.